वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं रजिया शेख आज अपने बहन भाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। वालिद भी नहीं है और भाई भी नहीं है, कमाने वाला कोई है ही नहीं। एक भाई है जो हैंडीकैप है, एक बहन है जो मन बुद्धि है, ज़ईफ माँ है, करने वाला कोई नहीं है। मैं खुद भी हैंडीकैप हूँ और मैं अपंग लोगों के साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास करने वाला कोई है नहीं, ना ही मेरी कोई इनकम है, ना मैं इन लोग को संभाल पा रही हूँ। आज मैं अपनी बहन के घर हूँ, खलेरी बहन के घर हूँ, आज 6 महीने से हूँ। तो ये साजिद हमारे भौने के यहाँ हूँ, ना घर है मेरे पास, ना कमाई है, कुछ जरिया ही नहीं है, ना संजय गांधी की कोई पेमेंट है और ना ही मेरे को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिला है आज तक। और महानगर पालिका का इतना पैसा आया तो हमारे लिए क्या, हम लोग तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। हम कब तक इस तरह की गरीबी की ज़िंदगी जिए, ये बच्चों के लिए मैं कहाँ से लाऊंगी, कैसा करूंगी। आप सरकार का काम है हम लोग की तरफ देखना, ये बच्चे मेरे चल फिर नहीं सकते, ना मैं इन लोग को वहाँ तक ला सकती। मैं एक लेडीज़ हूँ, इन लोगों के लिए आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए मदद करें। दबंग में दबंग वाले आज मेरे पास आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन लोगों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जागो और हमारे लिए मदद के लिए खड़े रहो, हम अब और इन लोग को नहीं संभाल सकते, आप लोग का फ़र्ज़ है हमारी तरफ देखना, नहीं तो फिर ये लोगों को आप लोग क्या कर सकते क्या नहीं, ये देखिए आके। एक बार यहाँ आइए, हमारे पास इतनी गवर्नमेंट ने इतनी सहूलतें दी, इतना पैसा आता है अपंगों के लिए, तो फिर जाता कहाँ है, हम लोग की मदद क्यों नहीं होती है, हम अकेले कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। ये बच्चों को उठा के मैं ले जा नहीं सकती, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप लोग आए इनको देखें। दबंग वाले जैसे आए ऐसे आप लोग भी आए, हमारी मदद करें। मेरे घर में जो ज़ईफ़ माँ है वो बैठी हुई है, मैं खुद भी हैंडीकैप हूँ, मेरे पीछे कोई जरिया नहीं है, कमाने वाला कोई है ही नहीं। और हमारे अम्मी भी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ बताओ जरा। ये मेरे अम्मी है जो बैठे हुए हैं, 80 साल से ऊपर हो गए। ये मेरा भाई है मोहम्मद जावेद, ये हमारी बहन है जो मन बुद्धि है, बोल नहीं सकती, इनको दिखाई भी नहीं देता, वो बच्चों को दिखाई भी नहीं देता ज़्यादा। और इनका कमाने वाला कोई है नहीं, इनके पर सरकार की जिम्मेदारी है, इनका देखना उनका काम है। आज दबंग वाले हमारे पास आए और सरकार अब तक खामोश बैठी है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारी गुजारिश है कि अब हमारे तरफ देखो और स्कीम का फ़ायदा हमें दें, क्योंकि हमको आज तक कोई भी स्कीम से फ़ायदा नहीं मिला।